नमस्ते किसान। हरदा कर रहा है कमाल, किसानों के बीच में धमाल हो रहा है। क्या गजब मिर्च की खेती हो रही है हरदा में, और पूरी बाउंड्री पर बांबू। एक ही लाइन है, ऑक्सीजन चाहिए तो बांस लगाइए। पैसा सेकेंडरी है, सेकेंड नंबर पे आएगा पैसा, क्योंकि कांटे वाले जो बबूल है खेतों में मेरों पर है, वो इतना ऑक्सीजन नहीं देता है, हार्मफुल है वो। खीरा हो, करेला हो, टमाटर हो, अभी मर्च ठंडी में तो मस्त। ठीक है, लीची जैसा हो जाए, लीची जैसी होती है ना, लीची नहीं, लीची जैसी स्ट्रॉबेरी की बोल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसी होती है। बलराम ये जी भाई, बहुत गजब है? ये कहते हैं मेड़। मेड़ इसको कहते हैं, शानदार। बलराम ने भी कई वीडियो में मेड़ पे लगाने, मेड़ पे लगाने का जिक्र किया है मैंने। ये है मेड़। इसको मेड़ कहते हैं। हाँ, टुलडा है ना, टुलडा वो वहाँ लगा हुआ है मेड़ पे, अपने खेत में भी लगा है टुलडा को। वो जो गैप दिख रहा है ना जी, उसमें टुलडा लगा है। अभी वहाँ पर जो लास्ट में गैप दिख रहा है वो इस साल लगा है। नहीं नहीं, वो इस साल के ही, वो तो बहुत छोटे होंगे, नहीं दिख रहा। ये कितना इंसेक्ट और डिसीज को फ्री रखेगा, और ये पूरा जी बच गया, प्रोटेक्ट हो गया, पूरा प्रोटेक्ट होगा ना। अब इसके पौधे की वो देखिए, बड़ा तो उधर तो वो चल रही ना, टूट रही मिर्ची, वहाँ चलता है। वो उधर से रोड बना है ना, बहुत बड़ा प्लांट है, गाड़ी वहां तक जाती है ना। और ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है बांस, जो हम मेड़ों पर लगा सकते हैं। और मेड़ पे लगाने से क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ दो लाइन में जी, और ये भी इससे गार्ड मैनर में बराबर, ये दो एक, हाँ जिगजैग है पूरा। हमारे इसको बड़वानी क्षेत्र में ये पैटर्न को जिगजैग बोलते हैं। दो के बीच में एक, शानदार है। एकदम बढ़िया। कितनी उम्र है इसकी? ये 17 का, 17 का है। हाथ में आ नहीं रहा है अभी, हाथ में नहीं आ रहा है। हर जगह का एक अपना अलग पैटर्न, ये पैटर्न जो है ना किसान को सबसे ज्यादा लगाना चाहिए, ये वाला मेड़ पर होना चाहिए। वो जो मेड़ वाली जो बात कर रहे हैं ना, हर किसान अगर लगा लेगा तो ये सोच लीजिए कि सारी चीजों से वो बच जाएगा, और ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट है। आपदा विपदा से तो बचेगा ही, और एक्स्ट्रा से बचेगा, विपदा से बचेगा, इंसेक्ट से बचेगा, पॉल्यूशन से बचेगा, चिल्ड वेव से बचेगा, लू से बचेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज टिड्डी से बचेगा, टिड्डी से बचेगा। जो इस साल एक्सपेरिमेंट हुआ, टिड्डी सब इस पे आके बैठ गए, ये सब प्लांट बच गए, खेती पूरी बची रही। वो हाइट वाली पे बैठा हुआ, वो सब ऊपर ऊपर बैठ गए, खा लो जितना खाना है इसको जी। गर्मी में पानी दिया, ये भी हरा था, जब ऊपर मिलेगा तो नीचे क्यों उतरेगा। सही बात, ऑक्सीजन फ्री में ज्यादा मिलेगी। कई वीडियो में अभी भैया जो है बार बार वही बता रहे थे, मेड़ के ऊपर जो बांस लगाना है, वो कैसे लगाना, आज जो है उसका मूर्त रूप आज पूरा लगा हुआ, हमने लगाए हैं तो वो छोटे छोटे हैं अभी। हाँ। लेकिन ये फाइनल प्लांट दिख रहा है ना, कि मेड़ क्या होती है, मेड़ क्या होती है ये देखो। ये सही है, अभी ये इसकी इनकम भी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, बांस तो अभी इसमें लगेगा ना, तार खूटे मार्केट से खरीद के लाना, उसकी वजह 2 लाख रुपए के लग रहे हैं हमको। हाँ, ये काट के लेना चालू कर दिया है। भाई हमको जो चाहिए, हम कहाँ जाएंगे बाहर, ये काटो यहीं लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पीस कम से कम मिलने वाले हैं हर साल। 2 लाख रुपए के बांस लग रहे हैं मिर्ची में, तो मेड़ के ही काम में आएंगे। सब इसी के जा रहे हैं, इसी के जा रहे हैं, शुरू कर दिया भाई। ये तो नेट बचत हो गई ना, या बेच दो या खुद खरीदो, मत घर के लगा लो, पैसा तो आया ही कहीं, पैसा तो अपने ही बचा ना, चाहे इधर से बचे, जो जरूरतमंद को दे दो, दोनों चीज हो रही। ये नहीं लगा रहे थे, मैं बोला मैं लगाओ, तुम देखो तो इसके रिजल्ट बताऊंगा मैं तुम। बड़े हाफ हार्टेड होके लगाए थे।
देखो अभी तो दिखने को मिल रहा है, ये हम आए हमें साइड मिली, किसान कहीं कहीं देख रहे हैं, जब आपने लगवाया होगा जब तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं था, मैं बताया तो अगले को कन्विंस नहीं, नहीं, इनने उखाड़ के फेंक दिए थे इधर से पौधे। अच्छा, खेत वाले ने काट दिया एक रोज रात में, ये सब जो बाहर के पौधे थे ना आया कुल्हाड़ी से काट गया, तो ये बहुत दुखी हुए, बोले वो मामा जी उनने लगाए और वो तो सब काट के चले गए, काट देंगे साले को। फिर हमारे डायरेक्टर थे उनको पता, मैं साहब ये झगड़े होते हैं गांव में मेड़ों पर जब तक दोनों किसान सहमत नहीं हो। मैं बोला मैं ठीक है 5 फुट और छोड़ दो, अपने खेत तरफ लगा लो, जब ये बढ़ेगा तो 10 फुट तेरी और लेके जाएगा, तू चिंता मत कर। और ऑक्सीजन तेरे को ज्यादा देगा, तेरे को देगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा करीब करीब एक, एक, सवा किलो एक किलोमीटर लंबा मेड़ है, 1.25 किलोमीटर होगा ना, 32 एकड़ है। और बाप रे, ये पूरा एक प्लॉट जो है 32 एकड़, वो जो लास्ट वाला बांस दिख रहा है ना वहाँ तक है, उसमें केनाल लगी हुई, ये पानी जो आया वो केनाल से आया। हम लोग क्या करते हैं, अभी केनाल में पानी आया, इसको तो जरूरत है नहीं, ड्रिप से चलेगा, केनाल का पानी इसमें छोड़ दो, बहुत बढ़िया। इसको तो साल भर पानी दिया तो साल भर सूट देना ही है, ये ऐसा ही रहेगा मई तक, मई तक ऐसे हरा ही रहेगा, हरा ही रहेगा। ये गर्मी में जब लू चलती है ना तब इतना बचाता है इसको मिर्च को, जिसके को है तब यही मिर्च हरी रहती है इसके किनारे किनारे वाली, तो पूरा रुक गया ना यहीं पर, रुक गया, आगे जाएगा ही नहीं गर्म लू, इसमें कहाँ से जाएगी, ये दवाई डाल, इंसेक्ट पेस्टिसाइड डाल, जो तेरे को डालना डाल दो, खूब खुली छूट है तेरे को, इस तरफ आएगा नहीं कुछ, कुछ नहीं आना है, ग्रीन बेल्ट कितना उड़ाओगे तुम, उड़ाओ कितना उड़ाओगे, बांसुरी को थोड़ी उड़ाओगे, 40 फीट क्या उड़ाकर उस साइड जाएंगे, वो संभव नहीं है दूसरी तरफ जाना। मेड़ का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? एकदम शानदार, सुपर। मेड़ पर बांबू लगने से फार्मर की इनकम जो डबल होने की बात है, मिनिमम से मिनिमम 25% बढ़ना है और आपकी फार्मिंग सिक्योर होना है। पूरा लास्ट तक जो देख रहे हैं वो केवल और केवल बांस ही बांस दिखेगा मेड़ पर, 1.5 किलोमीटर की मेड़ है, विंड प्रोटेक्शन, जानवरों से प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा इनकम, बाकी अपनी खेती जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। क्या शानदार मिर्च है, हरदा के किसान अपडेट हो रहे हैं या मैं कहूँ हो चुके हैं, प्रकृति के सपोर्ट में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब वो करेगा, बहन को बोलते हैं मैं अब आकड़ के पौधे बेचूंगा, अभी तक बुला के बेच रहे थे, बुला के बेच रहा था ना, अब आकड़ के, अब आकड़ के बेचेंगे। अब भैया आपको ऑक्सीजन चाहिए तो लेके जाओ, आपको पौधे चाहिए क्वालिटी का मटेरियल, ये पौधा है ये 17 से लेके ये 20 साल, 3 साल का पौधा है, देख लो 3 साल का पौधा है, सही बात है, समझ में आए तो 3 साल में इतना बड़ा दिखा दूंगा, सही है। काफी लोग जो बाउंड्री वॉल करना है उसके लिए 3-3 फीट पर इसे लगा रहे हैं पूरी पैक। अभी लोगों को ये समझ में आई है कि जितनी सरकारी बिल्डिंग है या बड़े जो कैंपस है उसके आसपास कोई ट्री प्लांटेशन नहीं करनी, इसके केवल बांबू, बांबू प्लांटेशन करके अंदर आप कोई दूसरे आर्नामेंट प्लांट लगा लो, सही है, बाउंड्री तो इसकी करो आप, कोई सीमेंट कंक्रीट की बाउंड्री भी नहीं चाहिए और पूरा ऑक्सीजन पार्क घर बनेगा, और ऑक्सीजन का वो बन गया है, 3 फीट पर लगा दिया तो फिर कंप्लीट हो गया, 2-2 मीटर पे लगा दो ना, यहाँ हमने एक चीज और खत्म कर दी, मैं कहा हमको जितनी दूर पे लगाना होगा हम लगाएंगे, हम आपके हिसाब से नहीं लगाएंगे, सही है। जो किसान की जरूरत हो कहीं पास कर दिया, जहाँ मुझे लगाना 4 लगाने लगा दो, कोई दिक्कत, फार्मर के हिसाब से लगाएंगे, उन्होंने फ्री कर दिया, स्पेसमेंट आप तय करिए, बहुत बढ़िया, वो सही बात है। ऊपर बेंबू मिशन में ये तय हो गया कि फार्मर अपनी मर्जी से लगाएगा, अपनी मर्जी से ग्राफ तय करेगा, आप मत गाइडलाइन जारी करिए। जी जी, हरदा में अभी नॉर्म्स कंटिन्यू है या जून जुलाई में वापस आएंगे काहे के? नहीं, ये गवर्नमेंट के बेंबू मिशन के क्या चीज सब्सिडाइज वाले नॉर्म्स चालू है, यहाँ के क्या नॉर्म्स है? 120 रुपए पर प्लांट, 120 रुपए पर प्लांट, पहले साल में 60, दूसरे साल में 36, तीसरे साल में 24, बराबर। हरदा का कोई भी फार्मर बांबू मिशन से जुड़ करके प्लांट लगा सकता है, लगा सकता है, ओके, और लगा रहे हैं, यहाँ का पैसा अकाउंट में जा रहा है, हाँ, वो तो अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में जा रहा है, जो फार्मर है उसी के खाते में, उसके खाते में प्लस इसकी गिनती के बाद सर्वाइवल के बाद दे रहे हैं, सर्वाइवल जिनका है, जिनका सर्वाइवल जितना है उतना ही पौधे पैसा मिलेगा आपको, मर गया तो आपकी गलती है। हरदा जिले में किसी किसान को बांस लगाना है तो वो कौन से नंबर पर कनेक्ट करे, ऐसा कोई नंबर है आपका पास?
डीएफओ साहब से सीधा कर ले। ठीक है, यहाँ के जो वन मंडल अधिकारी है वहाँ पर किसान डायरेक्ट संपर्क करे कर सकते और बामू मिशन में जुड़ करके मिशन दे ही रहा है, मिशन इनको टारगेट भी दिया है। डीएफओ साहब भी बोलते हैं कि आप कुछ जिसको लगाना है आए रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आजकल हम लोगों ने एक काम और कर दिया है, इसका जीपीएस टैगिंग कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है कि किस किसान को हम दिए हैं उसकी जीपीएस हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हमको ये दिखे कि वाकई किसान ने लगाया ग्रोइंग है या नहीं, पहले साल क्या था, दूसरे साल क्या था, तीसरे साल क्या है। सैटेलाइट पिक्चर में हमको सारी चीज क्लियर सब दिख जाएगा। ये तो अभी मेड़ पूरा सैटेलाइट में दिखेगा, 1.5 किलोमीटर का मेड़ है। दिखेगा भाई, आज से 3 साल पहले का पिक्चर निकाल लो और आज का निकाल लो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, इस फील्ड को दिखेगा, ये फील्ड दिखेगा। सही है। यहाँ किसी को बांबू लेना हो तो कौन से आपसे कैसे संपर्क करे किसान? इनका नंबर है, किनका? नर्सरी का, नर्सरी भी हमारी वो है। नर्सरी का नंबर आप डिस्प्ले कर दीजिए तो किसानों के पास ये बाइट जाएगी तो वो संपर्क कर सके। नर्सरी का नंबर जो आप इसमें से निकाल कर बतला दीजिए, जो संपर्क सूत्र हो वो इन्हीं का है, रामनिवास दुबे। हाँ, रामनिवास जी का दे दीजिए, ताकि फार्मर अगर बांस लगाना चाहे हरदा जिले में तो इस नंबर से संपर्क कर लें और उनको बांबू के पौधे भी मिल जाएंगे और आगे की गवर्नमेंट से जुड़ने की गाइडलाइंस भी मिल जाएगी और साथ में बांबू लगाना कैसे है वो भी देख लेंगे और टेक्निक भी सारा मिल जाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग की तक की टेक्निक हम लोगों ने डेवलप कर, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग तक का पूरा टेक्निक है। ओके, हम लोग खुद जा रहे हैं किसानों को, मैं खुद पर्सनली बता दूं कौन सा बांस कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे जरूरी चीज है कि वो लगा तो लिया है प्लांटेशन, इसके बाद उसको कौन सा रिटेंशन करना है, एक भिरे में कितने बांस रोकना है, ये मुद्दा है। क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, क्योंकि 6 से 9 मीटर, 9 से 12 मीटर जी। तो 12 मीटर तक का अगर आपका बांस हो जाता है 36 फुट 40 फुट, हाँ। तो उसमें कम से कम एक भिरे में 20 बांस रुकना चाहिए। ये टेक्निक भी महत्वपूर्ण है, उसको महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो आपका विंड और प्रेशर में उखड़ सकता है, डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। जितनी हाइट है उस पर निर्भर करेगा कि कितने पिलर आप उसमें रखो, उसको, हाँ, वो हाइट उसकी डिसाइड करेगी कि इसमें अपने को कम से कम रिटेंशन कितना करना है। ओके, अगर 6 से 9 मीटर है तो अपने को 15 छोड़ना है, उसमें करला महिला बिल्कुल काटना ही नहीं है, वो रखना है, वो पकिया, केवल पकिया कटेगा चौथे साल वाला, तीसरा साल कंप्लीट कर चुका है, चौथे साल में उसको हार्वेस्ट कर लो, तीसरे के बाद तीन पूरे चाहिए, तीन तो पूरे 36 महीने प्लस में फिर काटते चलिए। ओके, लेकिन करला महिला छोड़ के इनको तो हाथ भी नहीं लगाना है, टच भी नहीं करना है। ओके, एक बार मैं अगर समझना चाहूँ आपसे तो ये भिर्रे में आप मुझे बतलाएंगे करला कौन सा है, महिला कौन सा है, पकिया कौन सा है, ये बड़ा भिर्रा है इसमें बतला दीजिए, ताकि सारे फार्मर्स को भी समझ में आए कि कौन से बांस को क्या बोला जाता है। देखिए ये जो जिसके ये शीथ लगी हुई है, हाँ, ये पहले साल, ये जिसमें सीथ लगी है, हाँ, 1, 2, 3 ये पूरे बांस पे लगी है, हाँ, ये इसी साल का है, जिस बांस में सीथ लगी है ये फर्स्ट ईयर का पौधा है जी, इसको ये करला ही कहते हैं, करला। ओके, इसके बाद जब ये शीथ गिर जाएगी, ये जैसे ही मतलब सेकंड ईयर में जाना शुरू होगा जी, ये ऑटोमेटिकली इसको छोड़ना शुरू कर देगा, खुद ही छोड़ देगा ठीक, जैसे सांप कैचुली छोड़ता है, हाँ, वैसे ये छोड़ेगा जी। ये दूसरे साल का बांस है जी। ओके, ये जैसे ये है, ये करला है ये, लेकिन ये मोहिला बांस है, मोहिला ये है, ये मोहिला है, ये भी मोहिला है। इसके अंदर जो तीसरे जो पहले जो लगाए हैं 17 का जो बांस है, okay, वो ये है, ये पतला पकिया, ये पकिया, इसका काम थोड़ी स्किन चेंज दिखेगी, बिल्कुल घर्षण भी दिखेगा, कलर कलर बांसों का कलर से हो जाएगा, शेड कलर का थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें अलग पका हुआ अलग दिखेगा, थोड़ा सा पीलापन लिए रहेगा, और जैसे कोई चीज मैच्योर हो जाती है ना तो मैच्योरिटी उसके बांस से चेहरे से झलकने लगती है, और वो जो नया उसको ब्रांचेस भी नहीं है उसको करला में तो ब्रांचेस आएगी नहीं, शुरुआत रहेगी, ये बिल्कुल ऐसा क्लियर बोल रहेगा। जब इसमें ब्रांचिंग आएगी तब ये इस स्टेज में पहुंचेगा, तब ये मोहिला कहलाएगा, सेकंड ईयर का मोहिला। हाँ, ओके, करला मोहिला देन पकिया, अंदर पकिया में, ये पकिया में अब ये भिर्रे में अगर हम समझे तो पकिया भी कुछ छूटेगा या पकिया सारे निकलेंगे? पकिया रोकना चाहिए, कुछ रोकना चाहिए, 10% यदि 10 है तो 1 रोक लो, 2 रोक लो, 10 है तो 8 निकाल लो, 8 निकाल लो, 2 रोक लो, 2 रोक लो, ठीक है, ऐसा है। और मुहैया
मोहिला तो पूरे रुकेंगे, मोहिला पूरे रुकेंगे और करला, करला ये दो रुकेंगे और पकिया में 10% रुकेगा, 10% रुकेगा, बाकी काट दो 10% 20% जो रुकना है, क्योंकि अगर नंबर आपके पूरे नहीं हो रहे तो फिर आपको पकिया छोड़ने पड़ेंगे, पकिया छोड़ने पड़ेंगे, राइट है। तो अगले साल फिर ये साइकिल चालू हो जाएगी। फंडा ये है, मूलधन को रहने दो और ब्याज खाओ, ब्याज खाओ, बस ये बराबर बात है, मूलधन को मत छेड़ो आप, स्टोरेज वैसा का वैसा कंटिन्यू हर साल, ये हर साल बढ़ेगा ना, हर साल बढ़ेगा, इसमें हो सकता है कि ज्यादा निकले तो अगले साल आपको ज्यादा काटने को मिल जाए, हम 3 सोच रहे थे अगले साल अपने को 5 हो जाए। सही बात, वो तो भिर्रे का राउंड जैसे बढ़ते जा रहा है, करला इस बार जितने, ये अगले साल इनके नामकरण चेंज होना है, महिला पकिया हो जाएगा, एक बार 3 साल की साइकिल कंप्लीट हुई फिर हर साल कटना चालू है, 3 तक साल तो आपको वेट करना ही, 36 महीने के बाद कटिंग चालू, फिर वो इक्वल कटिंग पकिया की 80% कटिंग पकिया होता रहेगा। किसान को एजुकेट करने वाली बात यही है कि उसको बांस पहचानना आना चाहिए, बांस पहचाने और उसी को काटे तो ज्यादा इनकम कंटिन्यू ले सकता है, तभी उसका भिरा भी जिंदा रहेगा और सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, लगातार सतत मिलता रहेगा। ओके, अगर उसने कच्चे बांस काटा तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है जी, दूसरी चीज सड़ना जल्दी शुरू हो जाएगा वहां से जी, तीसरी चीज चूहे कभी खाते हैं इसके राइजोम को, फिर वहां से तो एक बार इंजरी हुई तो फिर सभी तो उसको कुछ न कुछ घाव लगना चालू रहेंगे, घाव पे जिस तरह से अपन बचा के रख सकते हैं बस वही चीज इसके साथ। सही है, पकिया मतलब 36 महीने। हाँ, करला आपको इनकम दे रहा शीत से, जिसके कि मैं बताया कि प्लेट और दोना बनेंगे। हाँ, करले की इनकम तो ये आ गई ना, इसके पत्तल दोना प्लेट बोनस है, ये बोनस है, ये किसान को बोनस, ये ब्याज क्या ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसको चक्रवर्ती ब्याज कह सकते हो। सही है, एकदम ठीक, कि ब्याज का ब्याज मिल रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज है। हो गया। नीचे ये देख लीजिए फोलेज, ये वर्मी कंपोस्ट के काम आएगा, खाद के काम आएगा, सारे ये सूखे पत्ते हुए जो गिर रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ। और यही बांस का भोजन भी है, अलग से कुछ एक ही समय के बाद देने की, नहीं कुछ नहीं देना, 3 साल के बाद सारी चीज बंद, ये अपने आप में इतना ह्यूमस बनेगा कि हम लोग इसको खाद के रूप में ये पूरी इसमें फसल में डालिए, फसल में भी इसको यूज कर सकते हैं ये, अभी इसमें वर्मी का, इसमें अभी इनको बताया है कि वर्मी कंपोस्ट के जो बेड आते हैं बने हुए, ये जो पॉली बैग नहीं आते हैं जी, ये करीब करीब इसी में लग जाएगा, ये जो खाली जगह दोनों लाइन के बीच में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में शेड होना बहुत जरूरी है, छाव जरूरी है, और नेचुरल साइड ऐसा कहाँ से लाओगे, इतना मतलब फ्रेंडली कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इनको लगवा देना इसमें, जैसे हम लोगों ने टोटल 20 बेड का बना के रखा है जी, कि 20 बेड इसमें लगा देंगे, जो आदमी खाली रहे ये पत्ते इकट्ठे करे इसमें डाल दें, कुछ हरे पत्ते डाल दें, कुछ ही मिर्च का कचरा निकले वो डाल दो और गोबर डाल दो, और इसको पहले सड़ने दो, सड़ने के बाद जब ये ठीक हो जाएगी भाई केचुआ इसको खा सके तब उसमें लाके केचुए डाल दो, केचुए डाल दो, और केचुए के बाद सीरीज में लगाने का यह है कि इसका वर्मी बांस निकालना है और मिर्ची पे फ्लावरिंग के समय छिड़कना है, बहुत गजब यूज है उसका, उससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी, शानदार यूज है, कहना चाहिए एक तरह से टॉनिक है वो वर्मी बांस, तो 20 बेड का बहुत होगा, बहुत बहुत काफी कुछ ये मिर्च को और बूस्टर मिलेगा, बूस्टर भाई जो हम लोग ये जो ला रहे हैं बाहर से खाद बाद ये सब, हाँ हाँ, सारा नेचुरली प्रोग्राम रन होगा, जिस तरफ बांस नहीं है उस तरफ नेट लगाना पड़ रही है मजबूरी में, नहीं वो इसलिए लगा, हाँ ये नहीं एक उदाहरण में बतला रहा हूँ कि यहाँ पर ये बिजली के केबल वायर नहीं होते तो यहाँ पर बांस होता, बांस नहीं है तो मजबूरी में नेट तो लगाना ही पड़ेगा ना, वेजिटेबल है तो, बोला भी था मैं, कितना ही तुम करोगे बचा, वो लोग बोले भी लगा लेते हैं, नहीं नहीं वो हिलेगा, तुम्हारे इसको मारे, और लाइन बड़ी है 11,000 किलोवाट है, 11 KV लाइन, मिर्च ऐसा देखा है बड़वानी अंजड़ में, अभी तो 6 साल पहले, 7 साल पहले जो अभी इस रीजन में सीजन में जो लग रहा है ना उसमें ऐसा प्लॉट रहते हैं, लेकिन आप ये कितने दिन तो के इनको ऐसा रख सकते हैं, मेंटेन करना, अभी बड़वानी भूल गया, मेरी बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री चाहिए, ये चाहिए बम्बू चाहिए, आइए।